झारखंड मंत्रालय गोल चक्रों की कमी नहीं है यहाँ पर। मित्रों, हम लोग हैं अभी झारखंड की राजधानी रांची में और हम लोग जा रहे हैं अभी धुरवा डैम की ओर। और ये एरिया काफ़ी सुंदर, यहाँ के रोड्स काफ़ी अच्छे हैं और मंत्रालय के बगल से हम लोग जा रहे हैं। इसके पास में ही है JSCA क्रिकेट स्टेडियम। चलिए चलते हैं धुरवा डैम की ओर। जब से झारखंड राज्य बना उसके बाद रांची शहर इसकी राजधानी बनी, तब से यह रांची शहर काफ़ी खूबसूरत और धीरे धीरे इसमें दिन ब दिन काफ़ी बदलाव हुए और काफ़ी अच्छे रोड का निर्माण हुआ। और अभी आप देख सकते हैं रांची शहर कितना खूबसूरत, और इस एरिया में खासकर जो स्टेडियम है इस एरिया में काफ़ी खूबसूरती है, हरियाली है और काफ़ी चौड़े चौड़े रोड। दोस्तों, हम पहुँच चुके हैं। आइसक्रीम मिलेगा? क्या आइसक्रीम खिलाओगे यार तुम? बता तो ये देखिए दूसरा डे ये पानी रोका गया है। दोस्तों, अभी हम आए हैं धुरवा डैम में। धुरवा डैम में हमारा राजू भैया आइसक्रीम का आनंद लेते हुए, बटर स्कॉच, राजू भैया का फेवरेट है ये। बहुत ही जबरदस्त नज़ारा दोस्तों, इतना सुंदर है ये डैम और काफ़ी लंबा चौड़ा। दोस्तों, काफ़ी खूबसूरत डैम धुरवा डैम। लोग यहाँ छुट्टियों के दिनों में अक्सर आते हैं, लोग नहाने भी आते हैं यहाँ पर, काफ़ी सारे लोग उस तरफ भी स्नान करते हुए
काफ़ी मज़ेदार, करीब 2 किलोमीटर का यह इसके ऊपर रोड बनाई गई है। लोग यहाँ सैर करने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, अपनी वाइफ के साथ, अपने फैमिली वालों के साथ यहाँ इसके ऊपर आते हैं। और इसके ऊपर एक सड़क बनाई हुई है, बाइक से भी घूमते हैं और पैदल भी घूमते हैं। काफ़ी सारे लोग फोटो सेशन भी करते हुए, फ़ोटो लेते हुए, सेल्फी लेते। नीचे चलते हैं, दिखाते हैं आपको खूबसूरत डैम। आई भैया, राजू भैया बोल रहे थे यहाँ पास नहा लेते हैं। नहाने का मन है, लेकिन राजू भैया फिर बोल रहे हैं कि नहीं। मैं क्या है ना, मैं बोला यहाँ पर नहा लेते हैं, रिकी उसको बोल दिया कि यहाँ पास नहा लेते हैं, यहाँ पर को पसंद नहीं, यहाँ पर नहा लेते हैं। यहाँ पर नहा लेते हैं बोला था मैं, रिक्की बोल रहा है यहाँ पास नहा लेते हैं। आप बताइए कौन सा सही है, यहाँ पास कि यहाँ पर? नहीं, परे। आप राजू भैया देखे बड़े हैं तो इनके साथ जाना उचित है। यार इसको देख के तो नहाने का मन कर रहा है यार, जबरदस्त पानी है यहाँ। नहाने का मन कर रहा है, देखो इतना साफ पानी है। कंट्रोल भैया, कंट्रोल। वाह, मजा आ गया। रांची में गर्मी बहुत है लेकिन पानी के पास आके बहुत अच्छा लगता है। और धुरवा डैम में तो हम लोग जब भी मैच देखने आते हैं तो अपने पूरे फ्रेंड लोगों के साथ यहाँ पर स्नान जरूर करते हैं। और काफ़ी अच्छा डैम, काफ़ी साफ पानी इसका, काफ़ी बड़ा डैम है तो गंदगी का तो सवाल नहीं उठता है। बगल में JSCA स्टेडियम है, जहाँ इससे कुछ ही दूरी पर, यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर JSCA क्रिकेट स्टेडियम है। तो जब भी हम लोग मैच देखने आते हैं तो यहाँ हम लोग, रिक्की भी हमेशा आता ही है, तो हम लोग जरूर स्नान करते हैं यहाँ पर। काफ़ी मज़ा आता है और पानी काफ़ी साफ है। काफ़ी सारे लोग देखिए दूर दूर में यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे, पास में उस तरफ भी कुछ लोग हैं, फोटो वोटो सेल्फी वगैरह ले रहे हैं। डैम बहुत ही बड़ा, खाली स्थान देख कर आए हैं जहाँ कोई नहीं है, रिक्की और मैं। डैम बहुत बड़ा डैम है इसलिए हर जगह लोग नहीं पा सकते ना हम लोग, 3-4 किलोमीटर की दूरी में बसा हुआ डैम है। साइड से ही 3-4 किलोमीटर पूरा सर्कल करेंगे तो कम से कम, नहीं तो 8 किलोमीटर मेरे हिसाब से, और 8 किलोमीटर का पूरा सर्कल होगा इसका। और उस तरफ तो शायद रोड नहीं है, एक साइड से पूरी रोड बनाई गई है और ये रिंग रोड के एकदम निकट है। रांची रोड रिंग रोड है, सिटी के बाहर बाहर जो रोड है उससे एकदम निकट है JSCA स्टेडियम के तरफ से। मतलब कहना चाहिए रांची के दक्षिणी ओर या डैम। काफी सुंदर साफ पानी इसका। एक्चुअली क्या है, हम लोग सिंगर लोगों का इंटरव्यू करते हैं तो हम लोग गले में भी थोड़ी सुर की शुरुआत हो गई, हमारा भी सुर थोड़ा सा आ रहा है बाहर कि हम भी गा सकते हैं, ऐसा लगता है, फील होता है ऐसा। चलिए एक आपको एक मुखड़ा सुनाता हूँ। सुनाओ जी। बात में इतनी मोहब्बत करो ना, मैं डूब ना जाऊं कहीं, वापस किनारे पे आना मैं भूल ना जाऊं कहीं। देखा जब से है चेहरा तेरा, मैं तो हफ्तों से सोया नहीं, बोल दो ना जरा दिल में है जो छिपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं, बोल दो ना जरा दिल में है जो छिपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं। चलो अच्छी कोशिश है, रिक्की भी गाने की कोशिश कर रहा है और हो सकता है धीरे धीरे इसका भी गला खुल जाए, क्योंकि हम लोग सिंगर लोगों से मिल रहे हैं तो उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, कितने स्केल पर गाना चाहिए, क्या स्केल किस माहौल में शूट करता है, मतलब सब कुछ धीरे धीरे हम लोग सीख रहे हैं। किस बीट में कितना गाना है, रिदम क्या हो गाना का, मतलब थोड़ा बहुत माहौल के हिसाब से अपने आवाज़ को भी बदलना पड़ता है और मौसम के हिसाब से, माहौल के हिसाब से, प्लेस के हिसाब से अपनी आवाज़ को बदलना पड़ता है,
तो वो सब सीख रहे हैं हम लोग अभी, सिंगर लोगों से मिल रहे हैं तो उनकी आवाज़ भी सुनते हैं और खुद को भी डेवलप कर रहे हैं इसमें। चलिए, धुरवा डैम का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, धुरवा डैम आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और फ्रेंड्स अपने चेहरे पर स्माइल रखिए यार। हम लोग इतने दूर से वीडियो बनाने आते हैं ना तो मेहनत करते हैं, हम लोग को लगता है कि हमारा वीडियो लोग देखें और पसंद करें तो थोड़ा सा उनको अच्छा फील हो, तो अच्छा फील कराना चाहते हैं आप लोग को, तो स्माइल करो यार। दोस्त आप खुश रहेंगे तो हम भी खुश रहेंगे ना, इसलिए आप खुश रहिए हम भी खुश रहेंगे, और हम खुश रहेंगे तो ऐसे ऐसे वीडियो बहुत सारे आपके लिए लाते रहेंगे, इसलिए उसके लिए आपको खुश रहना पड़ेगा। मित्रों हम लोग निकल पड़े हैं अब अपने घर की ओर, धुरवा डैम से पश्चिम दिशा की ओर। जैसे ही हम निकलते हैं तो सबसे पहले आती है जुडिशियल एकेडमी की बिल्डिंग, और यहाँ से रिंग रोड काफ़ी नज़दीक, और यहाँ से हम जाएंगे अभी बेड़ो गुमला होते हुए कुसमी छत्तीसगढ़ अपने घर। तो चलिए चलते हैं अब अपने घर की ओर। रिंग रोड 2 किलोमीटर, नगरी 10 किलोमीटर, अब बेड़ो 28 किलोमीटर, अब गुमला 87 किलोमीटर। दोस्तों ध्रुवा डैम आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं, और आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दें, और अब तक आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और ऊपर वाले का नाम लेकर घंटा भी बजा दें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा आने वाले वीडियो का।